क्या आप भी जा रहे हैं ड्रीम इलेवन पे अपनी टीम को बनाने? तो यहाँ पे गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ड्रीम इलेवन पे अपनी टीम बना सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके विन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। अगर यहाँ पे पूरा कंप्लीट ये वीडियो आप देख लेंगे गाइस, तो ड्रीम इलेवन में टीम बनाने से रिलेटेड आपके सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे और आपको यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो यहाँ पे एक अच्छी से अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं जिससे आपके विन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और हाँ, वीडियो को लाइक या जरूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए आए हैं। तो यहाँ पे गाइस सीधा सीधा चलेंगे अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे और आपको बताएंगे कि टीम आपको कैसे बनानी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप जो है विनिंग होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है गाइस। यहाँ पे आपको सारे अपकमिंग मैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस टाटा आईपीएल देखने को मिल रहा है। टाटा आईपीएल वाले सेक्शन में आपको सारे आईपीएल के मैचेस देखने को मिल जाएंगे जो भी आने वाले हैं, जो भी कल होने वाले हैं। तो आज जो अभी मैच लेटेस्ट आने वाला है वो आप देख सकते हैं 3:30 पे जो है राजस्थान रॉयल और यहाँ पे दिल्ली का शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको इस पे लगाना होगा बेट, अगर आप चाहें दूसरे पे भी लगा सकते हैं, बट आपको जिसमें लगाना है पे आपको सारी टीमें देखने को मिल जाएंगी और टाइमिंग्स भी देखने को मिल जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आपको इस पे लगाना है राजस्थान रॉयल पे और दिल्ली वाले पे लगाना है, तो सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे गाइस जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है एंट्री के नीचे, तो ये आपका फीस पड़ने वाला है, मीन्स इतना रुपये आपका एंट्री फीस पड़ेगा, 19 रुपये पड़ेगा। और 4 स्पॉट्स लिखा हुआ है, मीन्स 4 जगह यहाँ पे खाली, यानी 4 जगह आप जो है इसमें 4 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइस पूल आपका 66 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। फर्स्ट प्राइस 49 रुपये एंट्री वाले में देख सकते हैं, 4 स्पॉट यहाँ भी 4 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 170 रुपये इसमें प्राइस पूल है। और 2 स्पॉट्स लेफ्ट, मीन्स यहाँ पे 2 जगह खाली है, 2 लोग अभी और कर सकते हैं अप्लाई, बाकी नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे 27 रुपये एंट्री है, 70 रुपये इसमें फर्स्ट मिलेगा। 3 स्पॉट यहाँ पे टोटल है और 3 खाली है, यानी अभी एक भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ पे 35 रुपये में 90 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे 3 स्पॉट जो है टोटल है, 1 स्पॉट खाली, यानी 1 जो है अभी जगह खाली है। तो ऐसे करके आप पहले इसको चेक कर लीजिए कितना जगह खाली है। मेगा वाले में देख सकते हैं गाइज यहाँ पे 15 करोड़ वाला है, 45 करोड़ का है। तो ये मेगा वाले में काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, देख सकते हैं गाइज मेगा में 1,22,00,000 लोग लगभग जो है यहाँ पे स्पॉट्स खाली हैं। तो यहाँ पे 15 करोड़ में देख सकते हैं 51,00,000 स्पोर्ट्स हैं जिसमें इतने सारे लेफ्ट बचे हैं। फर्स्ट प्राइस 1 करोड़ है, सेकंड जो है यहाँ पे आपका 18,00,000 है। तो यहाँ पे टोटल आप चेक कर सकते हैं, सारे यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है कि इतने नंबर पे आने पे क्या क्या यहाँ पे आपको कितने रुपये मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो यहाँ पे चेक कर सकते हैं गाइस। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन पे जैसे क्लिक करेंगे 39 रुपये आपको देने होंगे मेगा में ज्वाइन करने के लिए। 15 करोड़ वाले में ज्वाइन करने के लिए आपको 39 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आपको 45 वाला ज्वाइन करना है, 45 करोड़ वाला, तो यहाँ पे आपको 49 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं अभी तो मेगा ज्वाइन नहीं करूँगा, एक टीम में ज्वाइन करने वाला हूँ जो कि गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे गाइज मैं ज्वाइन करने वाला हूँ 27 रुपये का, जो कि 3 स्पॉट्स हैं यहाँ पे, यानी 3 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 अभी खाली हैं, 1 ऑलरेडी किसी ने कर दिया है। और इसमें हमें 70 रुपये मिलने वाले हैं फर्स्ट प्राइज, यानी जो भी आएगा फर्स्ट पे वो 70 उसको मिलेंगे। तो अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले विकेट कीपर देखने को मिल जाएंगे, जो भी विकेट कीपर होंगे दोनों टीम में मिला के वो टोटल देखने को मिल जाएंगे। बैट्समैन देखने को मिल जाएंगे टोटल जो भी दोनों टीम में होंगे, और ऑलराउंडर देखने को मिल जाएंगे दोनों टीम में, जितने भी ऑलराउंडर होंगे सब आ जाएंगे। बॉलिंग में आपको जितने भी बॉलर होंगे दोनों टीम के मिला के वो देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पिक करना है अपने हिसाब से, टोटल आप 11 प्लेयर को ले सकते हैं, 11 प्लेयर को आप पिक कर सकते हैं गाइज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी अच्छे प्लेयर हों उनको पिक करिए, पॉइंट आपको मिलेगा उस हिसाब से रैंकिंग होगी। पॉइंट किस हिसाब से आपको मिलेगा, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे गाइज मैं पॉइंट सिस्टम पे आ गया हूँ। अब गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 1 रन का आपको 1 पॉइंट मिलेगा, यानी जो भी प्लेयर आपने बनाया है अगर उसने 1 रन बना लिया तो 1 पॉइंट मिलेगा। 1 बाउंड्री बोनस मिलेगा अगर कोई भी बाउंड्री जाती है, 6 जाता है तो 2+2 मिलेगा। 30 रन अगर बन जाता है कंप्लीट तो +4 बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। हाफ सेंचुरी बन जाता है तो +8 बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। सेंचुरी बोनस आपको यहाँ पे +16 मिलने वाला है। तो ये सारे बोनस मिलने वाले हैं और 1 रन का आपको 1 तो पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में गाइज यहाँ पे बॉलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, बॉलिंग अगर कोई करता है तो क्या पॉइंट मिलने वाला है। तो 1 विकेट लेने पे यहाँ पे गाइज आपको 25 पॉइंट मिलने वाला है, रन आउट यहाँ पे जो है काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई 1 विकेट अगर लेता है तो 25 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे अगर LBW या बोल्ड करता है तो +8 पॉइंट आपको मिलने वाला है बोनस। 3 विकेट लेने पे यहाँ पे 4 पॉइंट मिलेगा। 4 विकेट अगर उसके कंप्लीट हो जाते हैं जिसको भी आपने लिया है तो 8 बोनस मिलेगा। 5 विकेट पे 16, ऐसे करके यहाँ पे गाइज आप पढ़ सकते हैं। कैच लेने पे +8 मिलेगा बोनस। 3 कैच लेने पे यहाँ पे +4 बोनस मिलेगा। 1 कैच पे 8 पॉइंट मिलेगा।
रनआउट पे भी यहाँ पे 12 है प्लस 12, ऐसे करके यहाँ पे गाइज आपको सारे पॉइंट देख लेने कि भाई कितना कितना पॉइंट आपको मिलने वाला है। अब गाइज यहाँ पे मेन आता है कैप्टन वाइस कैप्टन। तो हर टीम में आप जो है जो भी आप 11 प्लेयर का टीम बनाएंगे उसमें आप एक कैप्टन रख सकते हैं और एक वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो जिस भी प्लेयर को आप कैप्टन बनाएंगे तो उसको जितना नॉर्मल पॉइंट मिलेगा उसका दोगुना पॉइंट मिलने वाला है, और अगर आप वाइस कैप्टन बना देते हैं तो यहाँ पे 1.5 गुना पॉइंट मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे आपने कोई भी प्लेयर बना दिया, किसी भी बैट्समैन को आपने रखा है अपनी टीम में, तो नॉर्मल अगर उसको रखा है आपने तो एक पॉइंट मिलेगा एक रन बनाने पे, लेकिन अगर वो कैप्टन है तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, अगर वो वाइस कैप्टन है तो आपको 1.5 पॉइंट मिलेगा। तो ये आपका जो हो गया वो पॉइंट सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं पिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं विकेट कीपर को ले लेता हूँ, जे बटलर को, और यहाँ पे जो है सैमसन को ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बटलर और सैमसन को यहाँ पे विकेट कीपर बना दिया है। यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हर एक फील्ड से मुझे लेना है, ऑलराउंडर में भी लेना है, बैट्समैन में भी लेना है, बॉलर में भी लेना है, तो यहाँ पे मैं बस 2 ही लूंगा, ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टोटल 11 प्लेयर ही मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, प्लेड लास्ट मैच जिसमें लिखा हुआ है मीन्स इन्होंने लास्ट मैच खेला है, और जिस पे लास्ट मैच नहीं लिखा हुआ है मीन्स वो लास्ट मैच में नहीं था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पे आपको लास्ट मैच में कितने पॉइंट उसको मिले वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, सारा कुछ आपको प्लेयर का देखने को मिल जाएगा। प्लेयर की इन्फॉर्मेशन पे जाके आप प्लेयर के बारे में भी जान सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही मैच में। ठीक है, और यहाँ पे अब गाइज यहाँ पे बैट्समैन का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे आपको बैट्समैन सेलेक्ट कर लेना है। तो बैट्समैन में मैं वार्नर को ले लेता हूँ, पृथ्वी शॉ को ले लेता हूँ, हेटमेयर को ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक प्लेयर कोई और ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे गाइज मुझे मैं नीचे आया हूँ और यहाँ पे रूसो को मैं ले लेता हूँ। तो चलिए एक प्लेयर जो हमारा और भी हो गया है, तो 4 बैट्समैन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ऑलराउंडर पे जाता हूँ, तो गाइज यहाँ पे ऑलराउंडर सेलेक्ट करना है, तो इसमें जो है मार्श को मैंने ले लिया है, होल्डर को ले लूंगा, और इसके बाद में गाइज यहाँ पे अक्षर पटेल को ले लूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। वैसे आर अश्विनी का भी पॉइंट्स यहाँ पे अच्छा है, लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादा मैं ले नहीं सकता, केवल 11 प्लेयर ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक बैट्समैन को हटा देता हूँ गाइज, 3 बैट्समैन रखूंगा और 3 ऑलराउंडर रखूंगा, और यहाँ पे बॉलर भी मैं 3 करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मेरे जो है 11 प्लेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉलर में मैं सबसे पहले तो बोल्ट को ले लूंगा, और इसके बाद में नौतजे को ले लूंगा, इसके बाद में यहाँ पे गाइज जो है वाई चहल हैं, तो जो है चहल को भी मैं ले लूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइज हमारा जो 11 टीम कंप्लीट हो चुका है गाइज, अब इसके बाद हम और प्लेयर यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, अगर किसी को हटाएंगे तभी एक प्लेयर और ले सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे गाइज तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने का आ गया है। तो अभी आपने जितने भी प्लेयर लिए हैं ये आपको नॉर्मल पॉइंट ही देंगे, जो भी पॉइंट नॉर्मल है वही देंगे, लेकिन अगर इनमें से किसी को भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना देते हैं तो यहाँ पे गाइज अगर कैप्टन बनाएंगे तो यहाँ पे 2 गुना पॉइंट वो प्लेयर हमें देगा, अगर वाइस कैप्टन बनाएंगे तो 1.5 गुना पॉइंट वो हमें देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने वार्नर को यहाँ पे कैप्टन बना दिया गाइज, तो वार्नर जो भी रन बनाएंगे उसका जो भी मुझे नॉर्मल पॉइंट मिलता उसका 2 गुना पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। एक रन पे वैसे मुझे 1 पॉइंट मिलता लेकिन अभी मुझे 2 पॉइंट मिलेगा। अब वाइस कैप्टन में 1.5 गुना मिलेगा, तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे होल्डर को बना दिया, तो होल्डर जो भी विकेट लेंगे तो यहाँ पे जो है 1.5 गुना जो है हमें यहाँ पे पॉइंट उसका मिलेगा, नॉर्मल विकेट लेने पे जितना मिलता है उसका 1.5 गुना। तो यहाँ पे एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन ही आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बना दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे गाइज आपको सेव पे क्लिक करना है, इसके बाद में आपको कंफर्म कर लेना है, ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना है, और आप जो है सक्सेसफुली कॉन्टेस्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है, तो यहाँ पे 27 रुपये लगेंगे, तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुली हमारा जो है यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज हमारी एक टीम बन गई है, एक कॉन्टेस्ट भी हमारा ज्वाइन हो गया है। अगर आप और भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, और भी टीम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे गाइज माई टीम पे जाएंगे, तो पहले टीम भी आप बना सकते हैं, पहले आप टीम बना लीजिए बाद में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो पहले टीम बनाना है तो माई टीम पे जाइएगा, क्रिएट टीम पे क्लिक करिएगा, तो पहले आप टीम बना सकते हैं, बाद में आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज ये तो बात हो गई कि कैसे आपको यहाँ पे प्लेस को लगाने हैं। अब यहाँ पे आता है गाइड, तो गाइज ये गाइड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, किसी भी टीम को बनाने से पहले गाइड आप चेक कर लें। इसमें क्या बताएगा, ये सारी चीज़ें आपको मैच की हिस्ट्री बताएगा कि भाई ये जो पिच है वो बैटिंग के लिए सही है या जो है बॉलिंग के लिए सही है, और एवरेज रन यहाँ पे कितना जाता है, एवरेज विकेट टोटल विकेट यहाँ पे पेसर्स को कितना मिलता है, स्पिनर्स को कितना मिलता है। पेसर्स को यहाँ पे 21 विकेट मिला है इस पिच पे, इस ग्राउंड पे, और यहाँ पे स्पिनर्स को कितना मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है राजस्थान रॉयल इस पिच पे कितना जीती है, इसके साथ साथ दिल्ली जो है इस पिच पे कितना जीती है, टोटल 7 मैचेस जीती है, राजस्थान रॉयल टोटल 3 ही जीता है। तो ये सारी हिस्ट्री आप पहले देख लीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा ईजी हो जो है यहाँ पे टीम बनाने में। इसके साथ ही साथ गाइज यहाँ पे गुरु टीम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि जिनका जो स्किल स्कोर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और काफ़ी लोग इनकी टीम को पिक करते हैं, तो आप चाहे इनकी बनाई हुई टीम को भी पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपके ऊपर है कि आप इनकी बनाई हुई टीम को पिक करते हैं या खुद से बनाते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप खुद से बनाइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इनकी टीम को पिक करते हैं,
और अगर आप मेगा में पार्टिसिपेट करें तो इनकी बनाई हुई टीम को ज़्यादा पिक ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग रहेंगे लाइन में तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से टीम बनाइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में था इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।